Now, students, in this question, we are given that read each statement below carefully and state with reason and example if it is true or false. Simply, we have to find the statement is either true or false. Now, the first statement is with zero speed at an instant have non-zero acceleration. क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी इंस्टेंट पे स्पीड जीरो हो जाए और एक्सेलरेशन अब भी नॉन जीरो बचे? यस, किस केस में? मान लो एक बॉडी को आप प्रोजेक्ट करवा रहे हो ऊपर की तरफ, होगा क्या? एट एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होगा? स्पीड तो जीरो होगी फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, बट जैसे ही वेलोसिटी को हमने थोड़ा और इंस्टेंट के बाद देखा, डाउनवर्ड आनी स्टार्ट हो जाएगी, बट उस इंस्टेंट पे एट एक्सट्रीम पॉइंट एक्सेलरेशन विल बी जी. मींस द सिचुएशन जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर बोली गई है, यस, ये ट्रू है. हाँ, क्यों? साथ ही साथ आपको एग्जांपल के साथ बताना है ये. इन फ्री फॉल और we can write when an object is projected vertically upward then at extreme point V is equal to 0 and A is equal to plus G. Now in second case, with zero speed may have non-zero velocity. So students, first of all, हम पढ़ रहे हैं motion in straight line. जो chapter हम अभी पढ़ के आए हैं, जिसके basis पे हम ये NCERT questions पढ़ रहे हैं, उसको हमें ध्यान में रख के सारे questions का answer देना है. सो स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो है तो इसने पूछा है क्या उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है? एब्सोल्यूटली रॉन्ग, बिकॉज ये तो बेशक स्ट्रेट लाइन हो या मोशन इन प्लेन हो, दोनों ही केसेस में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी प्रैक्टिकली होती क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड विद डायरेक्शन, विद ए गिवन डायरेक्शन. सो अगर स्पीड जीरो है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो होनी कंपल्सरी है. फॉल्स, बिकॉज वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड विद ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा कह सकते हैं, विद ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. Now in third case, with a constant speed must have zero acceleration. अब बोल रहा है speed constant है आपकी, तो फिर से वही बोलूंगा मैं कि अगर हम straight line motion देखें, straight line motion में speed constant है तो obviously velocity भी constant रही होगी, क्योंकि direction तो वही है ना, straight line motion direction तो वही है, और direction वही है तो for स्ट्रेट लाइन मोशन इट इज ट्रू. बट अगर मोशन इन प्लेन में चले जाए हम और इसको सर्कुलर मोशन बनाए, इस इंस्टेंट पे देखो, बेशक स्पीड कॉन्स्टेंट हो बट डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे बदल रही है, और डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन. सर्कुलर मोशन में कौन से एक्सेलरेशन होते हैं? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, है ना, वो एक्सेलरेशन यहां पे लगेंगे फॉर सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन इट इज फॉल्स, बट इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू ही है, बिकॉज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे ट्रू रहेगा. मैंने वैसे कंडीशंस बता दी आपको कि दूसरी कंडीशन में ये फॉल्स भी हो सकता है, बट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू है. नाउ इन लास्ट क्वेश्चन,
वी आर गिवन दैट विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप. बोला कि एक्सेलरेशन अगर आपकी पॉजिटिव है तो आप हरदम स्पीडिंग अप, मतलब स्पीड इंक्रीज ही करते जाओगे. बट इन केस अगर मैं यहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन ले रहा हूं, मान के चलते हैं, वेलोसिटी भी हमारी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, इस केस में तो ये हमारी सिचुएशन ट्रू है. बट इन केस ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मान लो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है बट वो बॉडी स्लो डाउन होती जा रही है, एक्सेलरेशन तो अभी इसी डायरेक्शन में हुई. या फिर फ्री फॉल की कंडीशन मान सकते हो आप ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, दिस इस केस में ये फॉल्स होगी. या फिर आप इक्वेशन की हेल्प से लो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. जैसा कि हमें पता है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ साथ टाइम एक्सिस भी होता है एक. नाउ अगर हम टाइम एक्सिस को ऐसे इंस्टेंट पे लेके चले जहां पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, तो वहां तक जब तक v हमारा वैनिश नहीं होता, वैनिश मतलब ये नेगेटिव होगी ये पॉजिटिव होगी, अगर मैं टाइम एक्सिस ऐसे इंस्टेंट पे मान के चलूं जिस इंस्टेंट पे इनिशियली वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, वो टाइम एक्सिस मान के चले उस पॉइंट पे, जब तक v वैनिश नहीं होता, वैनिश मींस नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल होने के बाद जीरो आता है ना, बट जीरो से पहले क्या होगा, v नेगेटिव ही तो आएगा है ना, बट जीरो के बाद जब v वैनिश होना स्टार्ट हो गया उसके बाद v पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा. सो दीज आर द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 11.